क्या गवर्नमेंट तमाशा बना ली, क्योंकि गवर्नमेंट खुद जो है नजर में आ रही है कि हम भिखारी हो गए इंडिया के अंदर, ये स्टेट के अंदर तेलंगाना में हाथ फैला के लोग जो है भीख मांग लेते फिर रहे हैं। तो तुम गवर्नमेंट नहीं चला रहे, तुम लोगों को भीख मांगने लगा दी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं सैयद अनाहिदा कादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 नवंबर ट्यूसडे यानी मंगल का दिन है, और इस वक्त मैं उस्मान नगर आई हूँ, जहाँ पर आप हालात देख सकते हैं। यहाँ के जो पानी में डूबे हुए घर हैं, जो बारिश की वजह से जो तबाही हुई थी, जो पानी में घर डूब चुके हैं उस्मान नगर के, वहाँ की हमारे सामने आपको 5 फैमिली आपको नजर आ रही है। इनके तमाम लोगों की जितनी फैमिली आपको नजर आ रही, 5 फैमिली इन लोगों के घर यहीं पर आते डूबे हुए हैं। इनके पास ये लोग इस वक्त किसी के पास मेहमान जाके रह रहे हैं, कोई किराए के घरों में लेकर रह रहे हैं। तो ऐसे हालात में लोग अपनी बयान जो भी है, इनकी जो तकलीफ है वो बयान करेंगे। बोले यहाँ पर पानी 15 तारीख से जो रोड पे आया हुआ है, तकरीबन मकान तकरीबन लोग बाहर है, रोड से लाइट बंद है, एक नल का पानी बंद है और पानी से इन्फेक्शन हो जा रहा है। इस चीज़ से तकरीबन आदमी परेशान है, कोई मकान हो किराए के मकान भी नहीं मिल रहे, बाहर रोड पे रह रहे हैं कुछ लोग चबूतरों पे इंतज़ाम करके रह रहे हैं। ये चीज़ पूरी, ये 2-3 गलियाँ तकरीबन उस्मान नगर के जितने भी हैं बहुत परेशान है इस चीज़ में लोग। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इतना है, मैं आसमान नगर से बात कर रही हूँ। जब से ये पानी आया है हम तो घर में ही थे, लेकिन अचानक जैसा पानी पड़ा है कि रात में 9 बजे हम हमारे बच्चों को खांदे पे ले लेके निकल गए, सामान वगैरह सब छोड़ दिए घर में, हम हमारी जान बचा के हमारे बहनों का रिश्तेदारों का जी हम इधर ही रह रहे, ये गली में रह रहे, हमारे घर हुए हैं वगैरह है, तो हमारी बहन के पास रह रहे हैं, यहाँ पर हमारी बहन रहती है। लेकिन अब तो हमारा घर तो अभी बन नहीं पड़ा हुआ है, पानी भी नहीं सूखा अभी, तकरीबन पानी हमारे घर पर अभी भी सूखा ही नहीं, लेकिन रखने वाले भी इतने जितने ज्यादा दिन होते जा रहे हैं, अगर पानी हटाने की जितनी कोशिश जितनी लेट हो रही है उतनी ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ते जा रही है। क्योंकि कौन कितने दिन रहेगा, किसके घर में जाके कितने दिन रहेंगे, लोग कितने दिन दूसरे घर में जाके किराया देंगे। चलिए देखे अभी रह रहे हैं तो एक ना एक दिन इनको अपने घर आना है, यहाँ की बर्बादी इनको देखना है। अभी तो ये लोग सिर्फ बाहर है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा घर बोरे, लेकिन जब ये लोग अपने घर में जाएंगे इनका घर कुछ नहीं रहेगा, अंदर के घर में कोई सामान नहीं है, जब उस वक्त का इनका क्या रोना रहेगा, इस वक्त वो लोग कितने बेहाल रहेंगे। क्योंकि जब इंसान को जाहिर सी बात है अपनी आंखों से जब अपनी तबाही देखता है इंसान, तो वाकई में इंसान को रोना आता है। देखिए जहां तक मेरी नजर आपको नजर जा रही, मैं जहां तक देख पा रही हूं और आपको जितना कैमरे में दिखा सकती हूं, वहां तक आप देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों के छज्जों तक पानी है, 12 फीट पानी, 11 फीट पानी तक लोगों तक भरा हुआ है। तो ऐसे हालात में सोचिए लोग किसके पास जाकर कब तक इंतजाम करेंगे। अभी आप आंटी बोल रहे हैं कि लोग जो भी धरे बैठे खा रहे रह रहे, लेकिन जब इनको राशन भी धरे तो पकाने के लिए चूल्हा नहीं है लोगों के पास, सोने के लिए मैट नहीं है लोगों के पास, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट नहीं है। और जो लोग ले रहे हैं, जैसे कि कई सारे लोग आके इतनी बेवकूफी से देखे जा रहे हैं, जो हकदार है उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, अतराफ के लोग अपना एक कारोबार बना चुके हैं यहाँ पर, ये लोग तो बेचारे जाके मेहमान रह गए कहीं भी, लेकिन दूसरे अतराफ के जो घर है वो लोग आके यहाँ पर अड्डा बना के ठहरे हैं, वो लोग ले रहे हैं चले जा रहे हैं। तो ये जहाँ पर उनको मिलना चाहिए था, जिनके घर अंदर डूबे हुए आप उनको मालूम करिए, उनको कॉल करके बुलवाइए, यहाँ के 4 लोगों से पूछिए कि यहाँ के रहने वाले लोग कहाँ पर हैं, जिनके घर नहीं डूबे हैं वो लोग भी आके यहाँ पर से लेके जा रहे हैं, तो इनका हक तो उठा चले जा रहा है ना। तो ऐसे लोगों को देखिए आप, देखिए हम जो काम कर रहे हैं, मेरा काम एक ही है, मैं पूरा इन्वेस्टिगेशन करके पूरा इंक्वायरी करके वाकई में इन लोगों के घर अंदर डूबे हुए नहीं है पूरा डिटेल निकालने के बाद ही हम इनको मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा आके आम खास चढ़ के लियो तो किसी को भी दुनिया ये बस नहीं होने वाली है, आप यहाँ पर आके करोड़ों का ही बांटेंगे तो लोगों को बस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उनके घर सूखे हुए हैं, उनके घर ऊपर की जगहों पे है, उनके पास हर चीज है, लेकिन फिर भी वो लोग आ रहे हैं यहाँ का, इनका हक मार के लेके जा रहे हैं। तो जो लोग हकदार है, जिनको चीज मिलनी चाहिए, जिनका नुकसान हुए उनको आप आकर देने की कोशिश करिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पर जितने भी लोगों को यहाँ पर आपके सामने बता रही हूँ, इन लोगों के घर अंदर है और इन लोगों को बस हम यही चाहते हैं कि हमसे जो हो सके पकाने का चूल्हा वगैरह जब भी इनको मदद देने की कोशिश करें बराबर इंशाल्लाह हम देंगे। और लेकिन जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग दुआएं कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वाकई में जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी फाउंडेशन है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी जो सपोर्टर्स हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम कई सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुझे 100 ऐसे घर लोग ऐसे घर हैं 100 घर हैं जिनकी हमें मदद करनी है, चूल्हा ब्लैंकेट्स पकाने का बर्तन जो भी इनकी जरूरत का सामान है वो चीजें हम देकर इनको मदद करेंगे इंशाल्लाह। और आगे आप लोग भी अगर चाहे तो ऐसे लोगों की मदद करिए, मैं तो ये कहूंगी कि आप लोग डायरेक्ट आकर मदद करिए। देखिए 10 जनों को देने से अच्छा है एक मालूम करके एक परिवार की पूरी सहूलत पूरी करिए उनकी, तो वो आपको सब जरिया है। आप लाके 10 लाख का भी माल बांट के देंगे तो वो किसी हकदार को मिलने वाला नहीं है, उसी 10 लाख की बजाय आप 10,000 का सामान लाओ, एक फैमिली को वाकई मुस्तैक को पकड़ो, वाकई में उनका घर वहां पर है नहीं मालूम करो, उसके बाद में दो, आपको खुद दिल को तसल्ली होगी कि वाकई में हम जिसको देना था उसी को देकर आए हैं। सही बात।
बस मैं यही कहना चाहूंगी, ज्यादा कुछ नहीं, बस इंशाल्लाह आप लोगों से जो हो सके आप लोग इन लोगों की मदद कर सकते। इधर उधर से जहाँ से भी आ रहे हैं ना मैडम, ये लोग पूरा किराया देके ऑटो किराया देके जा रहे हैं। ये लोग के पास पैसे भी नहीं है, फिर सिर्फ गुजारे के अलावा पैसे भी नहीं है, कुछ भी खाने पीने में, छोटे छोटे बच्चे है लोग के पास और आस पास में रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। जो पानी जो डूबे हुआ है ना वहाँ तक पूरा पानी आगे पूरा डूबे हुआ है। फिलवा की जो है ना चार पाँच दिन से पानी थोड़ा सा नकारी, इसकी कम हुई पानी, पानी का प्रॉब्लम तो बहुत ही है, हर किसी को प्रॉब्लम, साथ ही साथ पब्लिक को भी परेशानी हो रही, हर चीज की परेशानी हो रही, परेशानी तो बढ़ते जा रही। अल्लाह का गुजारिश जारी, पानी की कोशिश करिए निकालने की। ठहरे, हाँ बोलिए, कितनी देर से ठहरे? सुबह 6 से 7, 8 बजे ठहरे। कैसा ठहरे आप लोग को तकलीफ मालूम? वही तकलीफ अब जाहिर करिए आप लोग, 10,000 के लिए आए थे ना दूसरे दिन तक भी। अभी अभी हम लोग को सामान चाहिए, अभी हम लोग को सामान चाहिए, मैं भी कहा, मैं भी लाइन में ठहरा, मैं कुछ लाइन में ठहरा, तू बैठे पूरे पूरे लाइन में ठहरे, यही जाहिर करो आपके अंदर। 10,000 रुपए जो दिए गवर्नमेंट से रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड, मगर ये फंड डूबने वालों से लेके बाहर वालों तक पहुँचा दिए लोग, तो फिर ये फंड जो है डूबने वाले को, फंड जो है डूबने वाले को क्या ज्यादा आया था? जो 10,000 रुपए डूबने वाले की तरफ से बाहर वालों को भी बांट दिए, ये तो जो है समझने वाली बात है कि 10,000 रुपए जो डूबे सो वाले जो हालात से जो बुरे हालात से गुजर रहे हैं, डूबे सो वालों को मिल रहे हैं, यानी पूरे जो है हैदराबाद में बांट लेना है पैसे, तो फिर ये कोई मदद नहीं, ये कोई मदद नहीं है। ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपका घर डूबा है तो हमारे मदद देने के बजाय हमारे नाम पे दूसरों की मदद कर दे रहे हैं, कोई हमारे से जो है दूसरों की मदद, और कोई किसी को हमारे से और मदद अगर होना है तो गवर्नमेंट के कोई भी अगर जो है ऑफिसर है या कोई भी जो है हुकूमत कर रहे हैं उनको अगर जरूरत हो तो ये भी ले ले चले जाओ 10,000 रुपए, शायद आपको भी जो है बचने। देखिए जिनके घर डूबे हैं, जिनके घर डूबे हैं उनको 10,000 मिलने चाहिए थे। ऑफिसर जब देने के लिए आ रहे हैं तो पहले उनके घर का एड्रेस देखिए, बाकी में उनके घर में कहाँ तक पानी आया, कहाँ तक वो लोग डूबे हुए, कहाँ तक उनका नुकसान है वो देखिए आप दीजिए। जहाँ पर पानी नहीं था ऊंचाई पे जिनके मकान है, इनका बोलने का मतलब ये है कि हमारे बदले में हमारा जो पैसा है, क्या हमको बढ़ के पैसा आ रहा था इन लोगों के लिए आपके पास? अगर हुकूमत को इनके लिए बढ़ के पैसा देना था तो इनके पैसे में से दूसरों को बांट रहे हैं क्या आप? ये बोलने का भाई का मतलब है। तो जाहिर सी बात है, इन लोगों की बात बिल्कुल सही है कि जब आप 10,000 रुपए दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो वैसे लोगों को दो जिनके घर डूबे हुए, जिनके घर आज सूखे हैं, जो अपने घरों में सुकून से सो रहे हैं, अपने घर में सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी 10,000 दिया जा रहा है। तो ये बोलने का भाई का मतलब है कि जिनके जो हकदार है उनको दीजिए। अगर ऐसा है तो काम करो, बोल रहे हैं भाई कि इनका जो 10,000 रुपए जो है इनका देने का, आप लोग जो घर डूबे हुए इनका ही पैसा लीजिए। हमारे पास जो है 1 से 4 मकान नहीं है, हम अपनी मेहनत से एक मकान बनाए उसके अंदर हमारी जिंदगी गुजार रहे थे। अगर जिसको ज्यादा मकानों की सहूलत है तो वो लोग को जिंदगी का एहसास नहीं होता, वो लोग जो है अपनी जिंदगी क्या जी रहे हैं, कैसा रह रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम। जब कोई जिंदगी गुजार रहा अपना मकान बना के तो उसको जिंदगी के तरीके और जीने के ढंग मालूम है, उसका सब संसार जो है बिखाड़ दिए तो वो आदमी जो है कहाँ जाएगा? ये 1 महीने से तो कोई दूसरे रास्ते से निकालो, फौरी निकालो। कब तक के जो है शादी खाने का जो बताते, शादी खाने में कब तक रहते थे? तो क्या काम अगर क्या पॉसिबल क्या नहीं है इसके अंदर जो है गवर्नमेंट किधर से भी जो जल्द से जल्द निकाल सकती है? 1 महीना तो जो है करीब होने आ रहा, तो हमारी जिंदगी पूरी जो है बिखर गई। तो कम से कम जो है जल्द से जल्द निकालना चाहिए। अब तो बारिश रुक गई, तेज तरीके से निकाल के उनकी सेफ्टी दे के उनके मकानों से जो है उनको पूरा जो है पहुंचा के उनको जो है सेफ करके छोड़ना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या गवर्नमेंट तमाशा बना ली? क्योंकि गवर्नमेंट को जो है नजर में आ रही है कि हम भिखारी हो गए इंडिया के अंदर, ये स्टेट के अंदर तेलंगाना में हाथ फैला के लोग जो है भीख मांग लेते फिर रहे हैं। तो तुम गवर्नमेंट नहीं चला रहे, तुम लोगों को भीख मांगने लगा दिए। इज्जतदार लोगों को जो है घरों के बाहर जो है ये दियो भाई दियो बोल के भीख मांगने लगा तो ये गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट चलाने का तरीका नहीं है, ये जो है भीख मंगाने का तरीका है। देखिए आवाम की थिंकिंग ये हो चुकी है, आवाम की सोच ऐसी हो चुकी है, हुकूमत को चाहिए कि अभी भी आप चाहे तो इनकी हर तरीके से मदद कर सकते हो, इंसाफ का काम करिए, जो हक है उस पे काम करिए। जिनके घर डूबे हैं उनको पैसा दीजिए आप, ये जरूरी नहीं है जिनके घर नहीं डूबे वो लोग तो आपसे मुतालबा नहीं करेंगे पैसों के लिए। जो बारिश आई थी वक्तिया बारिश थी, घंटा दो घंटे उनके आंगनों में पानी था, निकल के चले गया, लेकिन वैसे भी लोगों को आज 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन जो लोगों के आज घर डूबे हुए उनको आप वही 10 के बजाय 20 दो, जो अंदर रह रहे हैं उनको 20 दो, आप 20,000 की मदद करो आप उनके लिए। अरे जो हकदार लोग रोडों पे सो रहे, बेचारी बहन बोल रही है कि हम सारा दिन यहाँ पर सन्यासियों के साथ बैठ रहे हैं, हमको जो खाने को मिला ले रहे हैं, शाम में घर को चले रहे हैं, एक सराय खाने की जिंदगी हो चुकी है लोगों की। तो आप इन लोगों के लिए इंतजाम करिए, ऐसा हर किसी को आप उठा के अगर 10,000 देंगे तो जितनी भी आपकी करोड़ों की दौलत रहेंगी बिलियंस में अगर आप बांटेंगे भी तो कम पड़ने वाला है।
बस हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, हकदारों को उनको करीब आइए, जिनके घर में पानी है उनको देने को।